हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नेहा मौर्य, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं स्मोकी फ्लेवर सोया चाप दम बिरयानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जिन लोगों ने नहीं ट्राई किया है वो एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको अच्छे चावल का यूज़ करना होगा, तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने फॉर्च्यून का बासमती बिरयानी राइस लिया हुआ है। इसे मैं एक कप भिगा दूँगी और आधे घंटे के लिए आपको इसे भिगा के रखना है। फ्रेंड्स, चावल को भिगाने से पहले हम दो बार साफ पानी से अच्छे से धुल लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी डालकर आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे। इसके बाद आपको चाहिए होगा सोया चाप 1 पैकेट। यहाँ पर मैंने फ्रोज़न का सोया चाप लिया है। अच्छी क्वालिटी का सोया चाप यूज़ करेंगे तो टेस्ट अच्छा रहेगा। अगर इसमें बर्फ़ जमी हो तो इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे, वरना इसे हम तेल में डायरेक्टली डीप फ्राई करेंगे। सोया चाप में अगर बर्फ़ जमी हो तो इसे आप फ्रिज से निकाल के जो है 2 मिनट के लिए गर्म पानी में रख दीजिए। बर्फ़ पिघल जाएगी और इसके बाद आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं। बिरयानी में हम केसर का यूज़ करने वाले हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। केसर को भीगने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो हम पहले केसर को भिगा देते हैं। इसे भिगाने के लिए गर्म दूध चाहिए होगा, तो 1 चुटकी केसर को मैंने गर्म दूध में भिगा कर रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, सोया चाप भी हमारा ब्राउन हो चुका है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको चाप तल के तैयार कर लेना है। हमने इसे चारों तरफ से अच्छे से पका लिया है और आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ये फूला हुआ है। अच्छी क्वालिटी का चाप यूज़ करेंगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और वो अच्छे से फूलेगा भी। ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा फ्लफी है, तो अभी हम इसे बाहर निकाल लेंगे। इतना ही ब्राउन आपको इसे तल के रेडी करना है। चलिए अभी हम चाप की मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। आपको चाहिए होगा 1 कप दही, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, अमचूर पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग और तीखी वाली लाल मिर्च 1 चम्मच का चौथाई भाग, बिरयानी मसाला 1 चम्मच, धनिए के पत्ते 2 चम्मच, पुदीना 3 से 4 चम्मच और कटी हुई हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को हमने ऐड कर लिया है। अब आपको चाहिए काफ़ी सारा अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को आपको कोट के लेना है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। और अभी हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे चाप। चाप को आप 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो आप इसे पूरा ऐड कर सकते हैं इसमें, जैसा आपको पसंद हो। अगर आप पूरा ऐड कर रहे हैं तो आपको चाप के बीच में हल्का हल्का कट मार देना है, ताकि जो मैरिनेशन का मसाला हमने तैयार किया है वो अंदर अच्छे से चला जाए चाप के। और दूसरा है कि आप चाप को छोटे छोटे पीस में कट करके भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो हम चाप को छोटे छोटे पीस में कट नहीं करने वाले हैं, हमने ऐसे ही इसे मैरिनेट कर लिया है। और फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कि चाप कितना ज़्यादा फ्लफी है अंदर से। अभी हमने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लिया है, हल्का सा नमक ऐड किया है, बाकी अभी बाद में भी नमक ऐड किया जाएगा। और अभी आपको हाथों की सहायता से अच्छे से मसालों की कोटिंग कर देनी है सारे चाप के ऊपर। चाप में जहाँ जहाँ पर कट मारा गया है आप वहाँ पे मसालों को अच्छे से लगा दीजिए, ताकि चाप के अंदर तक सारे मसालों का स्वाद चला जाए। तो हमने चाप को अच्छे से मिक्स कर लिया है मसालों में और अभी इसमें स्मोकी फ्लेवर देना है। तो जिसके लिए आपको कोयले का एक छोटा टुकड़ा जो है, जिसकी आग बना लेनी है आपको, उस कोयले के टुकड़े को आपको चाप के बीचों बीच में रखना है। चाहे तो आप कटोरे का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप फॉइल पेपर का। घी ऐड करके तुरंत आप इसे एक प्लेट से ढक दीजिए, ताकि इसका जो धुआं है सोया चाप एब्जॉर्ब कर ले और वो स्मोकी फ्लेवर में आ जाए। 1 मिनट के बाद हम प्लेट को हटाएंगे और इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेशन में रहने देंगे। आप ये चीज़ काफ़ी पहले से भी करके रख सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा। जब भी आपको बिरयानी बनानी हो आप पहले ही इसको मैरिनेट करके रख दीजिए। जितना देर ये मैरिनेट होगा चाप, उतनी ही अच्छी बिरयानी बनके तैयार होगी। और अभी बिरयानी का चावल बॉईल करने के लिए आपको चाहिए 5 से 6 लौंग, 1 इलायची, 1 चक्रीफूल, 3-4 तेज़पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा और 1 टुकड़ा दालचीनी का, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चुटकी कश्मीरी मेथी और 3 से 4 जो है हरी इलायची। और इसके बाद पोटली मसाले में जाएगा 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ। इसका हमें सिर्फ स्वाद चाहिए, फ्लेवर चाहिए होगा, बाकी धनिया और सौंफ को हमें खुला नहीं डालना है। तो इसे हम कपड़े में बांध लेंगे और पानी में हम इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी आपको ज़्यादा यूज़ करना है,
सारे मसाले हमने इसमें ऐड कर लिए और काफ़ी सारा हमने पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं और थोड़ा सा धनिया। जब पानी हमारा उबलने लगे तो इसके बाद इसमें हम भिगोए हुए चावल डालेंगे जो कि हमने भिगा के रखा हुआ था। बिरयानी के लिए जब भी चावल बॉयल करें आप उसे 80% ही बॉयल करें, बाकी का जो 20% है वो बिरयानी दम देते टाइम पक जाएगा। चावल की अलग अलग क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि चावल कितनी देर में पकेगा। अगर चावल बहुत ज़्यादा पतला होता है तो बहुत जल्दी पक जाएगा, 5 से 6 मिनट में चावल हमारा पक के रेडी हो चुका है। और जब भी चावल आप बॉयल करें पानी ज़्यादा रखें ताकि चावल हमारा टूटे नहीं। तो ये देखिए चावल हमारा पक चुका है, 80% कुक हो गया है और अभी इसे हम छान लेंगे फ्रेंड्स। छानने के बाद इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए और इसके बाद हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं इसकी ग्रेवी के लिए। ग्रेवी के साबुत मसालों में आपको चाहिए 2 हरी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 तेज़पत्ता, 6-7 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और थोड़ा सा स्टोन पेपर और चक्री फूल 1 और थोड़ा सा टुकड़ा जो है जावित्री का। मसालों को हम अच्छे से तेल में भूनेंगे ताकि मसालों का सारा फ्लेवर तेल में आ जाए। तो जब मसाले हमारे भून जाएं तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 5 से 6 बारीक कटे हुए प्याज। प्याज को हम ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और अभी थोड़ी सी प्याज हम बाहर निकालेंगे, बाद में ये बिरयानी में काम आएगा। प्याज का बिरिस्ता अलग से भी बनाया जाता है, डीप फ्राई किया जाता है प्याज को और कुरकुरी प्याज जो है तल के तैयार की जाती है, पर मैंने ये शॉर्टकट अपनाया, तड़के से ही मैंने थोड़ा सा प्याज बाहर निकाल लिया है। अभी हमने तड़के में सोया चाप को ऐड कर लिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट तक इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे और इसके बाद इसमें जाएगा 1 ग्लास के करीबन पानी, 300 ml लगभग। तो हमने पानी इसमें ऐड कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच बिरयानी मसाला और नमक ऐड कर लेंगे। नमक आपको यहीं पे ऐड कर लेना है, चावल में नमक हमने नहीं ऐड किया था। और 1 पिंच हम इसमें गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। तो बिरयानी में जितना भी नमक आपको चाहिए अभी आप चाप में ऐड कर लीजिए, अब इसमें नमक एक्स्ट्रा अलग से नहीं जाएगा। और अभी इसे हम 2 मिनट तक पकने देंगे ताकि चाप के अंदर सारी ग्रेवी चली जाए। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा सूख गया है तो आप पानी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अभी इसे हम दम पे रखेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से पका के रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रेवी है इसमें। तो हमने चाप को आधा आधा कर लिया है, आधा चाप मैंने बाहर निकाल लिया है और आधा चाप कुकर में ही है। तो अभी हम कुकर में ऐड करेंगे चावल की एक लेयर नीचे चाप की है, दूसरी चावल की है। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे केसर वाला दूध। केसर जब भीग जाए तो आप केसर को हाथों से रगड़ेंगे तो उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे काफ़ी सारा पुदीना और थोड़ी सी धनिया के पत्ते। इसके बाद इसमें जाएगी वो तली हुई प्याज जो कि हमने बाहर निकाली थी तड़के से, और 1 चुटकी बिरयानी मसाला। इसके बाद दूसरी लेयर हम थोड़ा सा चावल लगा देंगे और इसके बाद हम इस पर रखेंगे चाप की 1 लेयर। तो चाप में थोड़ा ग्रेवी होनी चाहिए ताकि जब ये दम पे रहे तो नीचे से ये जले नहीं। और अभी इसके बाद हम इसमें डालेंगे चावल की 1 लेयर। कुकर को हम हिला देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए चावल और चाप। इसके बाद इसमें हम फिर से प्याज ऐड करेंगे तली हुई और बिरयानी मसाला ऐड करेंगे 1 चुटकी और इसके बाद केसर वाला दूध जाएगा इसमें। यहाँ पर आप रोज़ वाटर, केवड़ा वाटर ये सब भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। हरी मिर्च को हम बीच से कट कर लेंगे और 3 से 4 हरी मिर्च हमने ऐड कर लिया है इसमें। पुदीना ऐड कर लेंगे बारीक कटे हुए, पुदीने का टेस्ट अच्छा आता है तो आप बिरयानी में पुदीना अच्छे से यूज करें। बिरयानी में घी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2 से 3 चम्मच घी ऐड कर लेंगे हम। और सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे ऐड हो चुके हैं, बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है दम के लिए। तो चलिए अभी इसे हम दम पे रखते हैं फ्रेंड्स। तो कुकर को हम गैस पे रख देंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और कुकर की सीटी हम बाहर निकाल देंगे। गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे, लो फ्लेम पर बिरयानी को हम 15 मिनट तक दम करेंगे। 15 मिनट के बाद गैस को ऑफ कर देंगे।
मिट्टी के मटके में भी बिरयानी को दम पे रखा जाता है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में, सौंधी स्मेल और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा 15 मिनट पूरा हो चुका है, गैस ऑफ कर दिया है और अभी इसे 5 से 10 मिनट तक रेस्ट पे रहने दीजिए। उसके बाद हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे। तो 5 से 10 मिनट के बाद हमने कुकर का ढक्कन ऑन कर लिया है। तो ये देखिए बिरयानी हमारी बहुत ही अच्छे से दम हुई है, चावल एकदम खिले खिले दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे से बिरयानी रेडी हुई है। आप एक बार चेक कर लें नीचे तले में, अगर आपको लगे कि नीचे पानी है बिरयानी में तो आप इसे थोड़ी देर और दम पे रख सकते हैं, पर मेरी बिरयानी एकदम परफेक्ट दम हुई है, नीचे पानी वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छे से ये रेडी हुआ है। और चलिए अभी इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। जब भी बिरयानी बनाएं आप उसके साथ हरी चटनी ज़रूर बनाएं और प्याज का सलाद तैयार करें और हरी मिर्च, नींबू और उसके साथ आप कोई सा भी एक रायता बना सकते हैं जो कि आपको पसंद हो, प्याज का रायता और बूंदी का रायता, जो भी आपको पसंद हो बिरयानी के साथ आप बना लीजिए। बिरयानी प्याज, नींबू और हरी चटनी, रायता, इन सब के साथ सर्व किया जाता है। सोया चाप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और मसाले अंदर तक गए हैं, बहुत ही टेस्टी बिरयानी बन के तैयार हुई है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, स्मोकी फ्लेवर सोया चाप बिरयानी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। नॉर्मल बिरयानी तो आपने बना के खाई होगी, एक बार स्मोकी फ्लेवर सोया चाप बिरयानी बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो सैलेड की वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल में शेयर कर रखी है, जहाँ पर मैंने हरी चटनी की रेसिपी भी शेयर करी है, तो आप चैनल में जाके रेसिपी देख सकते हैं चटनी की। और रेस्टोरेंट वगैरह में आपको इसी तरीके से बिरयानी सर्व की जाती है, बिरयानी के साथ हरी चटनी, प्याज और रायता। आप प्याज को अलग से भी सर्व कर सकते हैं और चटनी के साथ प्याज को डिप करके भी सर्व कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में क्या करते हैं कि प्याज के साथ ही चटनी को सर्व करते हैं, एक साथ मिक्स करके। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये बिरयानी की रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए और सबको खुश रखिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।